हे गाइस, वेलकम बैक टू कमल फैसलाज न्यू ब्लॉग। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मैं कोई नैनीताल या शिमला में नहीं खड़ा हूँ। मैं आ चुका हूँ ग्रैंड वेनिस मॉल में स्नो मस्ती में। चलिए आपको बहुत मस्ती भरा टूर कराते हैं। पहले टिकट लेते हैं, सारी कॉस्टिंग आपको बताई जाएगी। चलिए मेरे साथ। का जो टिकट मुझे पड़ा है वो पड़ा है 800 रुपए, एडल्ट के लिए 800 रुपए का है। सबसे पहले एंट्री करने के बाद आपको यहाँ से कॉस्ट्यूम लेने हैं। कॉस्ट्यूम लेने के बाद ये शूज़ हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नंबर है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद जैसे अंकित पीछे रेडी हो रहा है तो ये हमें कॉस्ट्यूम मिली है, उसको पहन के हमें एंट्री करनी होती है। तो बेसिकली ये पूरा वो एरिया है जहाँ पर हमें रेडी होना होता है। ये हमारा कॉस्ट्यूम है, विदाउट इसके हमें एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि अंदर जो है वो -12 डिग्री है। भाई आपको लेके चलते हैं अपने साथ, आइए। अभी तो ग्लव्स भी पहन रहे हैं वो एंट्री होगी। चलिए भैया, ओहो ये घुसते ही बहुत ज्यादा ठंडी हवा आ रही है। देखो मुंह से भाप निकलने लगी है अंदर घुसते ही, बहुत ज्यादा रियल बर्फ है जिसे बोलते हैं ना रियल, वो है ये। तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कुछ रियल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, सारी बर्फ रियल है सब कुछ। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की है वो ये है। हमने यहाँ से एंट्री की है और ये प्रॉपर पूरा आपको फील देगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं आसपास में हैं। आपको पूरी फील आने वाली है, या तो आप शिमला घूमने गए हो या किसी भी ठंडी जगह की प्रॉपर फील आने वाली है आपको। ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम किसी एक आर्टिफिशियल जगह हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ना आपको स्नो स्लाइड्स मिल जाएंगी, स्नो डीजे मिल जाएगा, फ्रेश स्नोफॉल होगी, गंडोला राइड है, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। आप देख सकते हैं ये रियल आइस है, आप बिल्कुल भी कोई आर्टिफिशियल नहीं है, सारी एक चीज़ रियल है यहाँ पे, हर एक चीज़ स्नो प्रॉपर रियल है ये। और ये सारी स्लाइड्स हैं, ये आप देख सकते हैं ये सारी स्लाइड्स हैं। तो यहाँ से हमने सामने से एंट्री की थी और ये ऊपर ये ब्रिज बनाया हुआ है गंडोला राइड का, तो इस पर भी हम लोग चलेंगे। तो पहले हम स्लाइड कर लेते हैं अपनी, तो यहाँ से पहली स्लाइड हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमें पिक करना पड़ेगा, यहाँ पे यही है, पहले अपना सामान ना आपको खुद लेके जाना पड़ेगा ऊपर। तो जिस तरीके से बच्चा आया ना, हमें भी इस तरीके से ही आना है। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर अपने इक्विपमेंट को लेके और फिर वापस से ऐसे ही आते हैं जैसे ये बच्चा आया है। तो चलिए, अब मेरी स्लाइड स्टार्ट होने वाली है। स्लाइड करके तो बिल्कुल मजा आ गया, ऑसम। और ये अब हम दूसरी वाली स्लाइड पे जा रहे हैं, मैं और अंकित। तो चलिए, ये भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है, इसमें भी अपना इक्विपमेंट आपको साथ लेके जाना पड़ेगा ऊपर। आप साथ लेके जाइए इसको और फिर वहां से स्लाइड कीजिए, ये लोग कुछ भी हेल्प नहीं करते हैं लेके जाना। अभी अंकित मुझसे बोल रहा है कि पहले आप चलिए चलो। और यहाँ पे ना ये मेरे को जो हेलमेट वियर करना था
तो ये मना कर रहे थे कि हम सिर्फ फीमेल को पहनाते हैं, तो मैंने बोला यार मैं तो आपके भाई की तरह हूँ। भाई ये बहुत खतरनाक है, मजा सर्वर लग गया इधर उधर। ओ अंकित आते हुए भाई बहुत खतरनाक। कैसी थी? स्लाइड पे भी बहुत ज्यादा मजा आ गया स्लाइड करने पे, तो अब चलते हैं ब्रिज की तरफ। और ऊपर से ना कुछ जैसे हम चढ़ते हैं तो ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा है नीचे का, ये पूरा स्नो मस्ती आपको दिखती है। और यहाँ पे ये ब्रिज है, ब्रिज ना बहुत हिलता है, अगर कोई भी इंसान इस पे जाता है तो बहुत हिलता है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हिल रहा है ये ब्रिज। चलो इसको पार करते हैं और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। और मुझे अब राइड करनी है गंडोला राइड, वो सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे वो ट्रेन के डब्बे खड़े हैं उस तरफ। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये वाली ट्रेन की पटरी है, तो उधर हम लोग जाएंगे। देख सकते हैं ये वाली, शायद मुझे ये येलो वाले में बिठाएंगे, नहीं हाँ यही है शायद, हाँ तो इसमें हम जाएंगे। और ये पूरा एक चक्कर हमें यहाँ से पूरा घुमाएंगे उधर तक का, और लास्ट में यहाँ पे मुझे वापस छोड़ देंगे। तो चलिए चलते हैं लेके, और ये वाले में नहीं बैठते हैं हम, बैठेंगे इस वाले में। चलिए और राइड का मज़ा लेते हैं और आपको भी एंजॉय कराते हैं, चलिए मेरे साथ। तो आ रहा है लेकिन पीछे से हवा बहुत ज्यादा लग रही है इस पे। पे अंकित खड़ा हुआ है, आजा अंकित तू भी आजा आजा। वहां पे ना स्नोफॉल होने लगी थी तो सब लोग बीच में आ गए थे जहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी, सब लोग एंजॉय करने लगे थे। और यहाँ पे मैंने ना कुछ टाइम लैप भी शूट किए हैं, तो तब तक आप उनको एंजॉय कीजिए। अब हम लोग ना स्नो डीजे के पास जा रहे हैं और अंकित बहुत देर से वेट कर रहा था कब हम जाएंगे, तो अब हम जा रहे हैं। देखो मुझसे पहले पहले भाग के जा रहा है वहां पे डांस। अगर आप प्लान कर रहे हैं स्नो मस्ती में आने के लिए तो 2-3 पेयर एक्स्ट्रा सॉक्स आप रख के लाइएगा, वरना आपके पैरों की हालत ख़राब होने वाली है। और अभी तक किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग कमल बैसलास ब्लॉग।